न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। नवेगांव बांधिया रोजगार का सुनहरा मौका, फिल्म में पहली बार आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा दिखेगी साथ। सेंसेक्स निफ्टी में 2% से अधिक की गिरावट, अब खबरें विस्तार से। नवेगांव बांधिया भव्य रोजगार और मार्गदर्शन मेले का आयोजन, रोजगार का सुनहरा मौका। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री तथा गोंदिया जिले के पालक मंत्री माननीय राम कुमार जी बड़ोले इनके अवधारणा से नवेगांव बांध कृषि उपज मंडी समिति में 10वीं पास ना पास और 12वीं पास ना पास ग्रेजुएट उच्च ग्रेजुएट युवक युवतियों के लिए भव्य रोजगार और मार्गदर्शन मेले का आयोजन। सामाजिक न्याय और विशेष सहाय विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पार्टी पुणे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता प्रतिष्ठान नागपुर इनके संयुक्त विद्यमान से तारीख 17 फरवरी 2019 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया गया है। इस मेले में मुंबई, पुणे, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद यहाँ की बहुत सी कंपनियां सहभाग लेगी। इस मेले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, पैरामेडिकल, सेल्स, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस फर्म, फूड एंड डिलीवरी, ई कॉमर्स, हॉस्पिटल, इन क्षेत्रों में रोजगार का मौका उपलब्ध होगा। साथ ही अलग अलग क्षेत्र में नौकरी मिलने के लिए लगने वाले कौशल के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। इस मेले में प्रमुख अतिथि के रूप में जिले के पालक मंत्री राजकुमार जी बड़ोले, जिलाधिकारी श्रीमती कादम्बरी बलकौड़े, पार्टी के महासंचालक माननीय श्री कैलाश कंडसे, समता प्रतिष्ठान के मुख्य समन्वयक श्री सिद्धार्थ गायकवाड़ इनके साथ अन्य मान्यवर उपस्थित रहेंगे। इस रोजगार और मार्गदर्शन मेले का लाभ जिले के सभी युवक युवतियों ने लेना चाहिए, ऐसा आह्वान आयोजकों ने किया है। दूसरा विषय 18 तारखेला आपल्या कसारगड मध्ये आपल्या सगळ्याला तर ते माहितीच आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि माननीय केंद्रीय मंत्री पहली बार साथ नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा। शहर की तस्वीर, मुंबई। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा ने 16 फरवरी को अनुराग बसु की डायरेक्शन में बन रही आने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा के अलावा राजकुमार राव, अभिषेक बच्चन और फातिमा सना शेख भी नजर आने वाले हैं। सानिया और आदित्य ने एक फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी। कहा जा रहा है कि अनुराग बसु के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म बिल्कुल अलग तरह की कहानी दर्शकों के सामने पेश करने जा रही है। फिल्म मेकर्स ने अभी तक फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया है। साप्ताहिक समीक्षा, सेंसेक्स निफ्टी में 2% से अधिक की गिरावट। मुंबई, बीते सप्ताह कच्चे तेल में तेजी, विदेश पूंजी निवेश में गिरावट और डॉलर्स के मुकाबले रुपए में कमजोरी के बीच भारी बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 737.53 अंकों या 2.2% की गिरावट के साथ 35,808.95 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 219.20 अंकों या 2% की गिरावट के साथ 10,724.40 पर बंद हुआ है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।